नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। इसकी दूसरी लहर ने लोगों को बुरी तरह तोड़ दिया था। इस जानलेवा वायरस से संक्रमित होकर लोगों की जाने गई, बल्कि कई लोगों ने अपनों को खोया। इस बीच दिल्ली की 87 साल की ऊषा गुप्ता ने इंसानियत की बड़ी मिसाल पेश की। कोरोना संकट के कारण जो लोग बेरोजगार हो गए, ऐसे में उन लोगों के पास रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इस मुश्किल समय में लोगों की मदद के लिए 87 साल की ऊषा गुप्ता आगे आई। वो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन करवाती हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि वो लोगों की मदद करने के लिए कोलकाता तक का सफर तय करती हैं। दो तीन तरह का अचार बनाए तो इन्होंने अपने लेबिल छपाने, बोतल खरीदने, अपने आप ही मुझे बिल्कुल बिना बताए सब कुछ, छोटे छोटे कार्ड भी छुपा लिए कि उसमें एक एक लाइन भी लिख के देना। और ये सब करके इन लोगों के तो ऑर्डर आने शुरू हो गए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो एक ड्रॉप इन द ओशन मेरी तरफ से भी हो जाए, कुछ कोरोना के निमित्त कुछ रिलीफ किसी को मेरी तरफ से हो जाए, ऐसे मैंने स्टार्ट किया। You know, after my grandfather's demise, we were just talking and we were just discussing about all the adversities and all the misery that we saw throughout those 27 days that they were unwell. These pickles were always a part of our childhood. So I just thought that pickles are a good way to start. They're a good starting point, and it involves, because they can be stored for long, so it involves minimal, it's not a perishable item as such. So it involves minimal effort. We tie ribbons on all the bottles, and we have this little personalized card where she writes her ashirvad for a better future. For every order that goes out, a little card goes with it. So that's how the whole thing started, and I'm really glad that it's taken off and we've been able to raise meals for 65,000 people in the slums of Delhi. Usha Gupta ke liye COVID ki dusri lehar kahar ban kar tooti. कोरोना वायरस के कारण ऊषा गुप्ता के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारी। एक महीने बाद तय किया कि अब वो अपना बचा हुआ जीवन जरूरतमंदों की सेवा में लगाएंगी। इसी साल जुलाई में उन्होंने होममेड पिकल्स और चटनी का काम शुरू किया। वो सोशल मीडिया के जरिए देश भर में लोगों तक अपना प्रोडक्ट भेज रही हैं। एक महीने के भीतर 200 से ज्यादा बॉटल्स बिक चुके हैं। इससे जो भी कमाई होती है उसे वो कोविड मरीजों के लिए डोनेट कर देती हैं। उषा ने अपने इस छोटे से बिजनेस का नाम रखा है पिकल्ड विद लव। लोगों को प्यार वाला अचार खिलाती हैं। देखा जाए तो उषा गुप्ता के लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं है, कई लोगों की उम्मीदें हैं। अपने नेक काम की मदद से गरीबों का पेट भरना कोई मामूली काम नहीं। उषा गुप्ता की सोच को आज सभी सलाम कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।